रामायण की यह चौपाई नहाने के तुरंत बाद ही बोल दे 5 बार जिंदगी का हर सपना होगा पूरा। हिंदुओं के 2 प्रमुख ग्रंथों में से एक रामायण जिंदगी का एक अलग चित्रण करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती है। हर हिंदू परिवार अपने बच्चों को एक ग्रंथ के बारे में बताता है और हर रविवार को सुबह टीवी पर रामायण देखते हुए ही बड़े हुए हैं। हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण की सीख को जीवन में भी उतारती है। रामायण हमें जीवन जीने का सार भी बताती है और साथ ही साथ हमें ऐसे भी महत्व के बारे में बताती है जिनको जिंदगी में उतारने से हमारी जिंदगी सफल हो सकती है, हमारी जिंदगी पर सटीक बैठता है और हमें जीवन जीने की कला के साथ साथ मान मर्यादा और आदर्श भी सिखाती है। रामायण में लिखा गया एक एक दोहा, चौपाई और छंद मानो हमारी जिंदगी से ही लिखे गए हैं। आज हम रामायण के ऐसे ही एक दोहे के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आज हम आपको रामायण के एक ऐसे चौपाई के बारे में बताएंगे जिनको नहाने के बाद 5 बार केवल जपने मात्र से आपकी जिंदगी सफल हो सकती है। यह एक ऐसी चौपाई है जिसके सपने मात्र से ही आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी बुद्धि, विवेक और ईमानदारी हमेशा अच्छी बनी रहेगी। चौपाई जो प्रभु दीन दयाला कहावा, आरती हरन बेद जस गाबा, जप है नाम जनवरी आरत भारी, मिठे को संकट हुए सुखारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। ऊपर लिखी हुई चौपाई एकमात्र चौपाई ही नहीं है बल्कि यह कैसे चौपाई जिसको मात्र 5 बार बोलने से आपकी किस्मत समझ सकती है। लक्ष्मी हमेशा आपके साथ निवास करेंगे और साथ ही साथ आपकी बुद्धि, विवेक हमेशा बनी रहेगी। शुभ घड़ी हमेशा आपके पास आती रहेंगी। आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और निश्चित ही ईमानदारी के साथ हाथ जिन कामों में मन लगाएंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको बता दें कि रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है, साथ ही साथ बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। चौपाई का जाप का तरीका, रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद एक लाल कपड़े पर भगवान श्री राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, भगवान श्री राम के चित्र पर तिलक लगाएं और चावल अर्पित करें, इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, ध्यान रखें कि दीपक जाप के अंत तक जलता रहे, भगवान श्री राम को भोग भी अर्पित करें। भगवान श्री राम की पूजा के बाद तुलसी की माला से इस चौपाई का सच्चे मन से जाप करें। प्रतिदिन कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें। कुछ ही दिनों में इस चौपाई का प्रभाव दिखने लगेगा और आपके संकट दूर होते चले जाएंगे।